अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज जो मैं सुबह के टाइम आई हूँ, एक्चुअली मैं निकली थी वैसे ही थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं होम बार्गेन जो है वो विज़िट कर लेती हूँ। कुछ मुझे चीज़ें भी चाहिए थी, अभी मैं आपको बताऊँगी। आप व्लॉग पूरा देखते रहिएगा, होप्स हो कि आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं ना, वो मेरी तरह जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं। मैं शॉपिंग करते हुए इंजॉय करती हूँ, ऐसी वीडियोस देख के भी इंजॉय करती हूँ, और आपके साथ शेयर करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई, एक्चुअली मुझे हेयर कलर भी देखना था। सम टाइम बड़े अच्छे ऑफ़र में होते हैं, तो मैं आई, मैंने कहा चलो कोई अच्छा ऑफ़र में मिल गया तो मैं ले लूँगी। और मुझे इतना अफसोस हो रहा था, मैं अभी ईद के व्लॉग्स में आपने देखा होगा, ईद का सेकेंड डे का जो व्लॉग था, तो मैं गई थी तो वहाँ पे इतने अच्छे ऑफ़र में थे, और मैंने कहा अच्छा मैं उठाती हूँ तो वापसी पे ना मैं लेते हुए जाऊँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भूल गया और अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बस हेयर कलर जो है वो देख रही थी कि शायद कोई अच्छा मिल जाए। हेयर कलर तो खैर मुझे ऐसा कोई ख़ास पसंद नहीं आया, गार्नियर का मैं लेना नहीं चाहती थी और बस देख रही थी, लेकिन कोई मुझे ख़ास नहीं लगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन होता है हमेशा से, बर्तनों का, क्रॉकरी का सेक्शन मुझे इतना अच्छा लगता है। चाहे मैं पाकिस्तान में होती थी, चाहे मैं यूके में हूँ, लेकिन मैं हमेशा जहाँ भी जाती हूँ इस सेक्शन में विज़िट करना मेरा तो लाजमी होता है। अगर मैं विज़िट ना करूं तो मुझे रात को शायद नींद ही ना आए, इतना मुझे खैर पसंद है। तो आज मैं अकेली आई हुई हूं और यहां पे मैं देख रही थी, तो एक तो मज़े की बात मैं आपको आजकल बताऊं, समर है, समर की इतनी प्यारी चीज़ें हैं ना, मतलब विंटर में आपको ये चीज़ें कहीं भी ऐसी नज़र नहीं आएंगी, इतनी कलरफुल सी, इतनी प्यारी चीज़ें कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा। जो चीज़ आप देखेंगे ना तो आपका दिल चाहेगा बस मैं ले लूँ। तो यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे मैं काफ़ी देर देखती रही, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिली, मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लगी, और वाटर बॉटल जो है ना वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये वाला वाटर जग भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इसमें जामशीरी नज़र आने लगा। फिर मैं सोच रही थी कि माह रमज़ान में ये होता तो कितना अच्छा लगता। पूरा साल हम जितना जामशीरी माह रमज़ान में पीते हैं, उसके बाद अभी तक मुझे याद नहीं है कि हमने कभी जो है वो पिया हो, जिस तरह हम शरबत बना के पीते हैं। दूध में मैं डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी रेगुलर वैसे नहीं पीते जितना हम रोज़ों में शौक से पीते हैं इफ्तार के टाइम पे। तो बस यहाँ पे आके मैं ग्लास देख रही थी और मग्स देख रही थी और बहुत बहुत अच्छे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मुझे एक्चुअली उस्मान के लिए देखनी थी। एक तो जो चने होते हैं ना, मैं देखने आई थी कि शायद वो यहाँ पे रखे हुए हों। खजूर मुझे लेनी थी क्योंकि घर में थोड़ी सी ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं खजूर ले लेती हूँ। खजूर मैं कभी भी अपने घर में कोशिश करती हूँ ख़त्म ना होने दूँ, क्योंकि खजूर जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। कोई फ्रूट ना हो या ना हो, लेकिन आप तीन दाने खा लें, पाँच खा लें, बहुत ही बेस्ट है। तो खजूर मैं हमेशा रखती हूँ, तो खजूर मैंने यहाँ से फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए ली है। उसके बाद मैं आ गई वाटर बॉटल्स का जो सेक्शन है, यहाँ पे मैं एक्चुअली देख रही थी मुझे एक बॉटल चाहिए, लेकिन ये वाली ना इनमें से मुझे कोई भी इतनी ख़ास, मतलब जो मुझे चाहिए वैसे नहीं लग रही थी। हैं तो बहुत ही प्यारी हैं, लेकिन जो मुझे जैसे मैं चाह रही हूँ ना, मुझे वो उस तरह की नहीं मिल रही। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इतनी ज़्यादा थी, इतनी खूबसूरत थी कि आप आके वैसे भी आपको पता है कन्फ्यूज़ हो ही जाते हो ये कौन सी लें कौन सी ना लें। बहुत माशाल्लाह प्यारी प्यारी बॉटल्स हैं। और अब मैं इस सेक्शन में आके यहाँ पे देख रही थी, ये भी आपको पता है कि एक तरह से फेवरेट सेक्शन ही होता है। यहाँ पे बड़ी प्यारी नई नई चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और ये आप देखें, प्राइमार्क से मैं एक पाउंड का लेकर आई थी और यहाँ पे 79 पेंसेस का, और ये मुझे मतलब अफसोस हो रहा था कि मैं महंगा ले आई हूँ। इतना महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी अच्छा यहाँ पे उससे भी सस्ता है, प्राइमार्क से भी सस्ता है। तो यहाँ पे इस तरह से होता है कि कोई चीज़ कहाँ पर सस्ती मिलती है, कोई चीज़ कहाँ पर सस्ती मिलती है।
और प्राइसेस जो है ना वो हर जगह पे सेम नहीं होती हैं, चीज़ें भी डिफरेंट ही होती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बैठ के ना मैं पानी शानी पी रही थी, थक गई थी, ज़रा सांस ले रही थी, तो सामने देखा तो सुपर ड्रग जो है ना ये भी ओपन हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी सुबह आई थी। और ये तो देख के मेरा दिल मतलब ऐसा खुश हो गया कि जब यहाँ पे सब ने जाना स्टार्ट किया तो मैंने कहा चलें जी बिस्मिल्लाह मैं भी चलूँ। और यहाँ से मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं, मैंने क्या क्या लिया है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको घर जाके दिखाऊंगी, एक हॉल आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली मैंने एक तो सीरम लेना था, दूसरा मैं वैसे भी आके देखती हूँ कभी कुछ ना कुछ ऑफ़र में होता है, वैसे भी अच्छा होता है, कुछ चाहिए होता है तो मैं ले ही लेती हूँ। और ये वाला जो सुपर ड्रग है यहाँ मैं अक्सर आती रहती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, अच्छा सीरम ना मैं आई थी लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं जो चाह रही हूँ ना मुझे कोई अच्छा सा सीरम चाहिए था। और वैसे ये है कि अमेज़ॉन पे बूट्स पे भी मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेज़ॉन का तो ये है कि आराम से जो है वो आपको डिलीवर भी कर देते हैं, अमेज़ॉन पे अपना खैर शॉपिंग करने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे खैर मैं आई थी, मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ, लेकिन ये है कि सीरम ना भी मिला हो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल गई। अच्छा सीरम के बारे में मुझे आप ये बताइएगा आप आजकल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा जा रहा है मुझे भी बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो लूँगी और मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई हूँ पाउंड स्ट्रेचर पे, और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ ये वाले जो है ना स्पंज क्लॉथ जो होता है तो ये मुझे चाहिए था, इसके लिए मैं 3-4 जगहों पे गई। और ये वैसे मतलब मिल जाता है इजीली, हर जगह से मिल जाता है, आज मुझे ये मिल ही नहीं रहा था। और मैं सोच रही थी कि चलो मैं वापसी पे बस पे जाती हूँ, तो बस में थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ पे टाइम गुजारती हूँ ज़रा थोड़ा सा 10-15 मिनट देख लेती हूँ, तो इतने तक चलो मेरी बस भी आ जाएगी। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे सबसे पहले ये नज़र आया और मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैं बस अब जाने लगी थी, ये मुझे चाहिए था स्पेशली। और मैंने कहा ये बस आज मेरी किस्मत में नहीं है क्योंकि ये मैं किचन में काफ़ी यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं ये। अच्छा एक और चीज़ मुझे याद आ गई, फिर मैं आगे बात करती हूँ। मुझे कोयले लेने थे और यहाँ पे आके मैं देख रही थी जो कि हम धुआं देते हैं ना अपने खाने को, बारबेक्यू बनाते हैं, कुछ भी घर में बनाते हैं, धुआं देते हैं। और प्लीज़ मुझे ये भी आपने ज़रूर बताना है क्योंकि मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो गई, आके मैं देखती रही फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं कौन से लूँ और कौन से ना लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे भी समर की बहुत अच्छी ऑफ़र्स सेल्स जो भी आप कहें वो लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे इतना ज़्यादा आती नहीं हूँ, आती हूँ बहुत कम आती हूँ, आज तो मैं वैसे ही मैंने कहा चलो देख लेती हूँ ये भी देख लूँ, इतनी जगहों पर गई हूँ तो चलो ये भी देख लूँ, तो आज यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। अच्छा जी, तो मैं घर वापस आ गई हूँ, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। एक तो मैंने ये लिए हैं, ये उस दिन ना मैं ले रही थी तो उस्मान मुझे कह रहे थे कि मत लो, और अब जो है ना वो फिर ले लिए मैंने क्योंकि रात वो कह रहे थे कि ड्रिंक कोई नहीं है, मैंने कहा चलो अब मैं ले लूँ। और ये मैंने लिया एक खजूर, और ये जो है ना मैंने यहाँ से कभी नहीं ली होम बार्गेन से, मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ। अच्छा मैं आपको ये जूसर दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा समय के लाई हूँ, ये मैंने ले लिया, ये उस दिन मैं ले रही थी फिर मैंने छोड़ दिए तो अब मैंने दोबारा ले लिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं, तो मैंने कहा चलो कोई शाशलिक बनाते हैं स्टिक्स पे, ऐसे ना बड़े अच्छे लगते हैं, तो नहीं ले रही थी फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ, उस दिन भी दो बार गई हूँ छोड़ दिए। अच्छा ये मैंने लिए हैं, और ये होम बार्गेन से लिए हैं, बड़े अच्छे मिल जाते हैं रिजनेबल प्राइस में ना वहाँ से मिल जाते हैं, 5 का पैक है, तो मैंने कहा चलो वॉशरूम में भी रख लूँगी किचन में भी। अच्छा उसके अलावा ये ना मैंने काफ़ी मैं मतलब 2-3 जगहों पे गई हूँ और मैं ढूंढ रही थी, मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले, और मैं पहले भी आपने देखा होगा किचन में यूज़ करती हूँ, काउंटर जो होता है स्लैब पे उस पर सब पे करती हूँ, और जब बर्तन धोती हूँ तब भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ, इस रख के इस पर वॉश करती हूँ। अच्छा उसके साथ जी ये मैंने ले लिया, साइड टेबल का मेरा जो बल्ब था ना वो फ्यूज़ था, इसको तो मैं अभी अभी लगा के देखती हूँ, बहुत तंग हो रही थी मैं। ये मैं सुपर ड्रग पे गई थी तो ये मैंने वहाँ से लिया, ये डिफरेंट 3-4 जगहों से मैं लेकर आई हूँ, और ये मैंने ट्राई करने के लिए लिया, इस पर कुछ ऑफ भी था तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ कैसे है, वैसे मैंने देखा नेट पे तो अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ। तो उसके अलावा ना ये मैंने लिया, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है, मैंने जैसे इसको स्मेल किया ना इस पर कुछ ऑफ भी था लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस थी ना उफ़ कमाल थी कमाल, मेरा छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा इसकी एक अच्छी बात जो मैंने ये क्यों लिया, ये इस तरह से ओपन हो जाता है, ये मैंने वहीं पे चेक किया था, लगा के देखा था। अच्छा इसकी एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं क्या है कि ये इतना छोटा सा है,
ये देखें कितना छोटा सा इसके ऊपर लिखा हुआ 10 ml का है। तो ये अक्सर ये होता है कि बाहर जाते हैं ना, कभी मैं भूल भी जाती हूँ परफ्यूम लगाना, तो मैंने ये सिर्फ अपने छोटे बैग में डालने के लिए लिया है। अच्छा तो मुझे बहुत लगा, उसके अलावा ये छोटा जो मेरा है ना पाउच होता है, बैग होता है, उसमें ये आराम से आ जाएगा देखें इस तरह से। तो मैंने कहा ये तो छोड़ने वाला नहीं है, तो ये मैंने ले लिया। अच्छा जी, ये मैंने ली है। इसकी एक बात ये बताऊं कि इसकी थोड़ी सी पैकेजिंग जो है ना, ये देखें इस तरह से थोड़ी सी, ये वैसे स्टिकर ही उतरा हुआ है इसके ऊपर से, ये देखें स्टिकर उतरा हुआ है। तो ये थोड़ी सी इसकी जो पैकेजिंग है ना वो ज़रा इस तरह से थी, तो अंदर से बिल्कुल नहीं हुआ है, पैक है अभी, सारी पैक है। पैकेजिंग की वजह से ये भी ऑफर पे लगाई हुई थी उन्होंने, तो ये भी मैंने ले ली। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बड़ी है, तो आप ट्रैवल करें या कहीं जाते हैं तो इतनी बड़ी तो आप कैरी नहीं कर सकते हैं ना, घर में वो यूज़ होती है। तो ये इसमें सारे ही कलर्स ऑलमोस्ट थे, और या बैग में डाल लेते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ले ही लेती हूँ। मुझे अच्छी लगी, कलर्स भी इसमें सारे जैसे पिंक, ब्राउन और इस तरह के, देखें शेड्स हैं, आप हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आई शेडो भी, कंटोर भी कर सकते हैं, सारे कलर्स ऑलमोस्ट आ जाते हैं। और ब्लू सा भी है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। ब्राउन भी है, पीच भी, सारे कलर्स इसमें ऑलमोस्ट आ रहे हैं। आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपने बैग में डाल दें इस तरह, तो मैंने बस यही सोच के ले लिया। और बिल्कुल नई है, आप ये देखें, बस थोड़ी सी इसकी पैकेजिंग की वजह से उन्होंने ना इसको ऑफर में कुछ लगाया हुआ था, प्राइस इसकी कम हुई हुई थी। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। ये मैंने लिया पाउंड स्ट्रेचर से, और ये मैंने लिया है, ये वहीं पर मैंने चेक किया था खोल के, ये देखें। ये मैंने पता है क्यों लिया, ये मैंने लिया लेमन के लिए। ऑरेंज तो खैर, ऑरेंज जूस तो इतना मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये देखें ये कितना छोटा सा लेमन के लिए, क्योंकि ना शिकंजी पीने को बड़ा दिल चाहता है, तो सैलड में भी मैं लेमन डालती हूँ। और ये इस तरह से, ये है कि बड़ा मज़े का ना, ये देखें इस तरह से बड़ा मज़े का, यहाँ पर आप उसको स्क्वीज़ कर लेते हो लेमन को, और ये देखें ये कितनी प्यारी इसकी जगह बनी हुई है। और ये आई थिंक 3 pound का था, शायद 1.5 pound में हुआ हुआ था, मैंने दिखाया था आपको इस तरह से, ये भी था। और ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसी मेरे पास कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत चीज़ें थी लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये आप देखें कितनी क्यूट लग रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है। तो बेसिकली तो इन्होंने ये लिखा हुआ है जूसर, लेकिन मैंने ये लेमन का ही सोच के लिया है। ऑरेंज जूस भी कर सकते हैं, फ्रूट चाट बनाती हूँ तो उस पर भी बड़े अच्छे ये इस तरह से डाल लूँगी इंशाल्लाह। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। और एक और इसमें अच्छी चीज़ ये भी है कि इस पर ये देखें इस तरह से ये भी आ जाता है, तो आप स्टोर करके रख लें तो ये भी टेंशन नहीं होती, तो इसको बंद करके आराम से आप रख लें। तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ले ली, तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा ये मैंने लिए है लिपस्टिक, और ये कलर आप देख सकते हैं इस तरह से है, और इसका कलर जो है ना वो इसी तरह से आई है, आप देखें ये इस तरह का ही कलर है, बेसिकली ये न्यूड कलर है। और ये भी मैंने ली है सुपर ड्रग से, ये भी अभी बंद है, सील है, इसको मैं देखूंगी आपको दिखाऊंगी, फिर लगा के इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो बस ये है कि आज बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया मैंने, खूब मैं घूमी फिरी और पैदल ही वापस आई हूँ, थक गई बस बहुत ज़्यादा। अब मैं इनको ज़रा समेटती हूँ और कुछ खाते पीते हैं, खाने पीने का थोड़ा सा प्रोग्राम चलाते हैं भूख लग रही है, फिर ना मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।